हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप YouTube चैनल बैनर मोबाइल में बना सकते हैं। इसमें देखिए, मैंने अपनी मोबाइल स्क्रीन खोली और इसमें मैं ऐप से पिक्सल लैब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखिए, पिक्सल लैब मैंने ओपन किया और मेरे में इंस्टॉल है, तो ये ओपन दिखा रहा है, नहीं तो आपके में इंस्टॉल हो जाएगा ये, और ये स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। इसमें आप देखिए, इसमें आप पहले सबसे पहले आप जाइए, ये देखिए ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये खुल रहा है। मैं यहाँ से दोबारा खोल दिखाता हूँ आपको, ये मैंने खोला। अब आप देखिए, इसमें आप जाइए, ये थ्री डॉट्स बने हुए हैं और इसमें जाइए आप इमेज साइज। इमेज साइज में आप देखिए, ये कस्टम है, इसको मैं YouTube चैनल बैनर करना है। इसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे, ये साइज़ आ गया और ये बैनर के साइज़ में खुल गया है। अब जैसे मैं बनाता हूँ, उसमें मैंने इसमें कुछ गैलरीज में जाके ये गेम, ये देखिए नीचे जो हम गैलरी है, नीचे जो हमारे बैकग्राउंड आ रहा है वो शो कर रहा है। इसका बैकग्राउंड का भी आप इमेज देखिए, चौड़ करिए, जो आप सिलेक्ट करेंगे उसको आपको पहले आप देख लेना ये बैनर साइज़ में है कि नहीं है। अब ये बैनर साइज़ में है, देखिए इसमें मैंने अब देखिए गैलरी में जाके मैं इसमें जैसे ये मैंने चूज़ कर लिया, ये वाला मैंने बैकग्राउंड चूज़ किया है अपनी गैलरी में जाके, और ये बैनर साइज़ में मैंने कर दिया इसको। अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर देखिए आप नीचे देखिए टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मैंने देखो टाइप किया, ये टेक्स्ट लिखा हुआ। अब मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल सकता हूँ, जैसे मैंने टेक चैनल करके मुझे दे दो, जैसे मैंने ओके किया। अभी देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि वाइट दिख नहीं रहा है इसमें, तो हम इसका कलर चेंज करते हैं। देखिए मैं इसे जहाँ पर मैं कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर ये कलर में गया और ब्लैक कलर मैंने इसको कर दिया और ये राइट कर दिया। अब इसमें और भी ऑप्शन आप देखिए, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसमें। अब देखिए इसमें आप ये देखिए साइज़ बड़ा छोटा करना है इसका, तो ये साइज़ में ऑप्शन है, ये साइज़ में जाके आप ये कर सकते हैं, जैसा बैनर आपको बनाना है बना सकते हैं। ये देखिए आगे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं इससे, हमें एंगल चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। जैसा आप जिस टाइप का आपको बैनर बनाना है आप बना सकते हैं। देखिए इसके बाद आप इसमें जाइए फॉन्ट में जाइए, फॉन्ट साइज देखिए आप, फॉन्ट आपको जहाँ से चाहिए आप फॉन्ट, बहुत फॉन्ट हैं जो आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट आप इसमें ले सकते हैं। जैसे मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया इसको, अब इस फॉन्ट में भी हम देखिए इसको कर्व कर सकते हैं, ये देखिए बैंड, ये बैंड हो गया। तो इस सॉफ्टवेयर से आप जब पहले बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा इससे आपका, जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसका बैकग्राउंड। और मैं आपको इसमें दिखाता हूँ और चीज़, कॉपी मतलब हमें दोबारा इसका, हमें लिखा हुआ या कोई हमारी पिक्चर जो कॉपी करनी है हमें दोबारा लेनी है, ये हम ऐसे करके इसमें क्लिक करके कॉपी करके वो दोबारा कॉपी हो जाता है। अब इसमें देखिए जैसे हमने लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग सही नहीं था तो लाइन स्पेसिंग में जाके हम इसको ठीक कर देंगे कि हमें कैसा चाहिए, किस तरह हमारा लिखा होना चाहिए। और आप देखिए इसमें बोल्ड फॉन्ट है, देखिए बोल्ड, और इसमें बोल्ड करना है तो हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक चाहिए इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहे अंडरलाइन कर सकते हैं, तो ये भी आप इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए ये साइज आप इसमें बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट मार दिया जो नीचे मैंने लिया था। उसके बाद आप देखिए इसमें और
ब्रांडिंग मैंने वो दिखा दिया है एक बार फिर से। ऐसे आप बैनर बना सकते हैं आपको जो भी अच्छा लगे। मैं हटा देता हूँ एक बार, ये फॉन्ट चेंज हो गया। देखिए कलर, दोबारा में कलर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये है शेडो, ये भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये शेडो हम जा रहे हैं, शेडो में डाल के शेडो का देख कलर थोड़ा बाहर सा उभरा हुआ आ गया है। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, तो इसमें जरूरत नहीं है फॉन्ट में। और जैसे मैं आपका ये देखिए एक्सिस, ये आप 3D में मोड़ भी सकते हैं इसको, ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं जिस आपको आपको अच्छा लगे। ये देखिए शेडो, ये शेडो भी आ गई इसकी, 3D शेडो है जो। दोबारा टैक्स मैंने लिखा है तो टैक्स आ गया ये, मतलब कुछ टैक्स मुझे दोबारा लिखना है तो ऐड करिए और इसमें एडिट में जाके लोगो, जैसे मैंने लोगो लगाना है तो मैंने लोगो लिख दिया देखिए। और आपको लोगो कहीं पर भी लगाना है आप वहां पर लोगो जाके लिख दीजिए। अब इसका देखिए मैंने फॉन्ट कर दिया ब्लैक। और जब आपको इसको सेव करना है तो आप देखिए इसमें जाइए और एक्सपोर्ट टू फाइल में जाके यहाँ पर आप देखो कस्टम में आप जाइए और हाई रेजोल्यूशन जो जॉन से आपको रेजोल्यूशन चाहिए आप इसे ले सकते हैं और सेव टू गैलरी आप कर दीजिए। ये देखिए, और आप जो प्लस के पास जो आइकन है यहाँ पर जाके भी आप सेव टू गैलरी कर सकते हैं। ये देखिए